सीरियल तुझसे है राब्ता में चल रहा है काफी सारा ड्रामा। जी हाँ, जैसे कि मोक्ष यानी पिल्लू हो गए हैं किडनैप, और ये किडनैपिंग और किसी ने नहीं बल्कि केशव ने की है। कल्याणी निकल गई है ढूंढने पिल्लू को, जहाँ उनके पास है पिस्तौल, और वहीं केशव उन्हें कहते हैं कि उनसे कोई चालाकी ना करे वरना वो मोक्ष को मार डालेंगे। और इस धमकी के बीच केशव कहीं छुपकर कल्याणी से कहते हैं कि वो फेंक दे अपनी पिस्तौल और उठा ले उनकी पिस्तौल और खुद को शूट कर ले। कल्याणी खुद को शूट करने ही जा रही थी कि तब तक वहां अनुप्रिया आ जाती हैं और कल्याणी से गन ले लेती हैं और कहती हैं कि पिल्लू के लिए वो अपनी जान दे देंगी क्योंकि इन सारी मुसीबतों की जड़ वो है। कल्याणी और अनुप्रिया में होती है छीना झपटी पिस्तौल को लेकर कि तभी आता है मल्हार का कॉल, जो कि है सार्थक के साथ, और दोनों ही मिलकर ढूंढ रहे हैं कल्याणी और अनुप्रिया को। वो कहते हैं मोक्ष उन्हें मिल गया है और वो केशव की बातों पे भरोसा ना करे, वो झूठ बोल रहा है। ये सुन अनुप्रिया कहती है कि उन्हें मरना ही पड़ेगा। थोड़ी देर में आ जाते हैं केशव कल्याणी और अनुप्रिया के सामने और छीन लेते हैं गन अनुप्रिया से, जहां उन्हें गोली लग जाती है और वो भाग जाती है। थोड़ी ही देर में वहां पहुंच जाती है मल्हार की टीम। अब देखते हैं कि आखिर अनुप्रिया क्या छुपा रही है सबसे, और वो भी तब जब मोक्ष भी मिल गए हैं। आइए जानते हैं कल्याणी, मल्हार, अनुप्रिया और सार्थक का क्या कहना है। मोक्ष गुम हो गया है एंड बताओ ना, मोक्ष परेशान हुआ एक दिन, उसने बैग उठाया और चल दिया और हम सोच रहे हैं मोक्ष चोरी हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। थक गया वो अहिल्या निवास से, थक गया वो देशमुख से, राणे से, सबसे थक गया वो, भाग गया वो। उसने बोला मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं रहना है लोगों के साथ, वो चला गया। मोक्ष का ही फोन आया था कि आप दोनों को बिक चुकी है। आपको लगा मजाक कर रहे हैं? ओके, सीरियस ऑन अ सीरियस नोट, हाँ मोक्ष सच में गुम हो गया है, हम सब ढूंढ रहे हैं। ये कुएं में ढूंढ रहे थे, मैं जंगल में आई हूँ क्योंकि मुझे केशव ने फोन करके बोला है कि अगर मैं अपने आप को मार दूंगी तो मोक्ष मुझे वापस दे देगा। बट लोग मुझसे इतना प्यार करते कि ये दोनों मुझे मरने ही नहीं देंगे, है ना? वो सब ठीक है, हम मैं सिर्फ अनुप्रिया के लिए आया। बस बाकी सब एक्चुअली नहीं, एक्चुअली दिस कैन बी आवर प्लान टू सी हाउ सार्थक इज कंसर्न्ड अबाउट अनुप्रिया ना, दिस कुड बी माय प्लान आल्सो। तुम कैसे डांट रही थी अभी अनुप्रिया को, और इन्होंने कैसे मुझे चुप करवा दिया? होता है ऐसी सिचुएशन में, इंसान हो जाता है, ऐसा कोई बात नहीं। देखो बुरा लग रहा था, मैं बेटी हूँ, मैं डांट सकती हूँ, फिर भी मुझे डांट दिया। मैंने तुम्हें प्यार से, प्यार से कंसोल किया ना, कल्याणी शांत हो जाओ, गुस्से में नहीं का। So I have a soft corner for her because of which I am being softy. चलो at least है ना, not Keshav है। ओहो देखिए, बताओ नहीं पहले बताओ कहाँ मिले, पहले बता, ये मुझे जानना है। ये नहीं बता सकता मैं। Obviously बता सकते हूँ, कल नहीं। हो गया मतलब? बता दिया कहाँ मिला? नहीं दिखाया ना? नहीं दिखाया। Shoot ही नहीं किया तो telecast किसने? Exactly और क्या? मैंने सच बताया था। बताया मैंने कहाँ? Embargo है? तो वो हमें डंजन में मिला है, एक डंजन में। अब सोचिए डंजन कैसी हो सकती है। पुराने जमाने में आपको याद है जब राजा महाराजा जब रास्ते में गुफा बनवाते थे भागने के लिए और वो सीधा किले के बाहर जाके निकलता था, वैसे एक रास्ता है वहाँ पे, वो चिल कर रहा था। देखिए आपने मोक्ष को देखा कितना हंसमुख बच्चा है, हमेशा मुस्कुराता रहता है, वो अपनी खुशी ढूंढ लेता है। हाँ वो अपनी खुशी ढूंढ लेता है और वो इसमें भी ढूंढ लेगा अपनी खुशी बहुत जल्दी। 18 का नहीं पता मुझे, लेकिन 18 मार्च के बाद आपको वो हंसता हुआ जरूर दिखेगा। ऐसे कैसे 18 मार्च को तो बहुत कुछ होने वाला है। हाँ। हो सकता है होली इस बार हम खून की खेले। होली हम खेल सकते हैं लेकिन मोक्ष देखेगा सिर्फ। खून की होली देखेगा। मोक्ष इस मोक्ष की पहली होली होगी खून की होली। अहिल्या पूरा अहिल्या खानदान निवास पूरा बर्बाद हो जाए, चाहे देशमुख और राणे का खानदान बर्बाद हो जाए, लेकिन मोक्ष को कुछ नहीं होने देंगे। हम दोनों, हम सब, हम चारों मर जाएंगे, मोक्ष को कुछ नहीं होने देंगे। प्रोमोज में कुछ होने वाला है। हाँ, खून की होली खेलेंगे, यही तो बोल रही हूँ मैं, खून की होली खेलेंगे। यस, मंडे टू फ्राइडे 8:30 ऑन जी टीवी। यस 8:30 PM मंडे टू फ्राइडे, प्लीज देखते रहिए। यस, टेलीविजन की लेटेस्ट न्यूज और चटपटी गॉसिप के लिए हमारे चैनल टेली ट्रेंड्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।